और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो कि नई दिल्ली से आ रही है। टीएमसी का आसंदी पर निशाना, राज्यसभा की व्यवस्था पर आपत्ति जताई है टीएमसी सांसद सुखेंदु राय पर। सभापति को खत लिखा है सुखेंदु राय ने, दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का उसने जिक्र किया है। खत लिखकर सुखेंदु राय ने दिनेश त्रिवेदी जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था उनका जिक्र किया है इस खत में। कहा सदन के इस्तेमाल की इजाजत अभूतपूर्व और शिष्टाचार के खिलाफ है, त्रिवेदी को बोलने की अनुमति दी जाए, इसकी जांच होनी चाहिए। खबर हम आपको बता रहे हैं टीएमसी का आसंदी पर निशाना है, जहां पर राज्यसभा की व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई है। टीएमसी सांसद सुखेंदु राय का सभापति को खत जिसमें लिखा है दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का जिक्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एड रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, टीएमसी का आसंदी पर निशाना है कल क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया था, इस पर टीएमसी सांसद सुखेंदु राय का सभापति को खत गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम अपने आप पर इसलिए है क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है और उसने इस पत्र के जरिए एक तरीके से राज्यसभा के सभापति का जो डिस्क्रिप्शन रहता है आसंदी का चेयर का, उस पर उसने सवाल उठाए हैं। ये मैं बता दूं कि दिनेश त्रिवेदी ने कल संसद में बोलते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की और उन्होंने कहा कि टीएमसी में उनका दम घूट रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा से वो दुखी है, उनके निशाने पर सीधे सीधे टीएमसी का नेतृत्व है। अब पलटवार के तौर पर क्योंकि माना जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो पलटवार के तौर पर इस पत्र को देखा जा रहा है और सांसद ने इसमें कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए जो दिनेश त्रिवेदी हैं कल उनके बोलने का दिन था ही नहीं, बावजूद उसके उन्हें इसकी अनुमति दी गई, तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इस घटनाक्रम को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस्तीफे के लिए बोलने की अनुमति दी गई वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन और अभूतपूर्व घटना है। तो कुल मिलाकर टीएमसी ने सभापति के डिस्क्रिप्शन पर सवाल निशान उठाए हैं और निश्चित रूप से अभी जंग थोड़ी और लंबी खेल सकती है क्योंकि ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं है। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का वो इस तरीके से भाजपा को जवाब देने की मुद्रा में आगे देखती है।